नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं आपके साथ छाया। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर स्पीड अंदाज में। अलकादिर ट्रस्ट घोटाले में गिरफ्तार पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 8 दिन के लिए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो NAB की रिमांड पर भेज दिया गया है। इमरान समर्थकों की सुरक्षा बलों के हिंसक झगड़ों में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। नरेंद्र मोदी जून में अमेरिका दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मोदी के लिए 22 जून को ऑफिशियली डिनर होस्ट करेंगे। यह जानकारी बुधवार शाम व्हाइट हाउस में एक बयान में दी। व्हाइट हाउस ने कहा, मोदी के इस दौरे पर भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम LIGO इंडिया सहित कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी करेंगे। महाराष्ट्र में बनने वाला LIGO इंडिया भारत का पहला इंटरफेरोमीटर होगा। बता दें कि पीएमओ की तरफ से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया था, पीएम मोदी 5800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के चुनावी नतीजे 13 मई को आएंगे, लेकिन 10 में से 5 एग्जिट पोल के मुताबिक भाजपा या कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत के आसार नहीं दिख रहे हैं। 4 पोल में कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है या 1 पोल में बहुमत दे रहा है। वहीं 5 सर्वे JDS को 20 से 38 सीटों के अनुमान के साथ किंग मेकर बता रहे हैं। कर्नाटक की 224वीं सीटों पर वोटिंग पूरी, वोट 69% पड़े। बुधवार को 10 एग्जिट पोल आए, 4 में कांग्रेस को बहुमत, 1 में भाजपा सरकार, 5 में हंग असेंबली और 2018 की तरह JDS का एक बार फिर किंग मेकर। अब इंतजार रिजल्ट के दिन 13 मई का। पंजाब में अमृतसर स्थित गोल्डन टेंपल के करीब पांच दिन में तीसरी बार हुआ ब्लास्ट। यह ब्लास्ट स्वर्ण मंदिर के लंगर हॉल के करीब रात 12:10 हुआ था। धमाके की आवाज सुनते ही हड़कंप मच गया। स्वर्ण मंदिर मैनेजमेंट ने तुरंत इसके बारे में पुलिस को दी सूचना। सांप नालायक बजरंग दल बैन से लेकर बजरंग बली की जय और चुनाव आयोग तक पहुंचे कर्नाटक की संप्रभुता जैसे बयान खत्म। कर्नाटक की 224 सीटों पर वोटिंग भी पूरी, वोट 70.69% पड़े। अब इंतजार रिजल्ट का, पर उससे पहले एग्जिट पोल। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ गुरुवार को दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों के बंटवारे पर फैसला सुनाएगी। यह मामला राजधानी में सिविल सर्वेंट्स के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हो गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस बार चुनाव 70.69% वोट पड़े हैं। हालांकि वोटिंग परसेंट के आंकड़े गुरुवार सुबह तक अपडेट होंगे। वहीं पिछले साल 2018 विधानसभा चुनाव में 72% वोटिंग हुई थी। कर्नाटक में पहली बार 94,000 से अधिक सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजनों ने घर से वोट डाला। कर्नाटक की 224 सीटों पर 2614 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 प्रगति मैदान में नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम LIGO इंडिया सहित कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी करेंगे। महाराष्ट्र में बनने वाला LIGO इंडिया भारत का पहला इंटरफेरोमीटर होगा। भारतीय कुश्ती संघ WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का आज 19वां दिन। आज रेसलर्स ब्लैक डे मनाएंगे। पहलवानों ने देशवासियों से अपील की है कि उनके समर्थन में सुबह 10:00 से दोपहर 2:00 तक काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाएं। इसके लिए सभी खिलाड़ियों ने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट भी शेयर की है। चक्रवात मेघा 11 मई से एक्टिव हो सकता है। मौसम विभाग IMD के मुताबिक 12 मई को तूफान और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इस दौरान बंगाल ओडिशा समेत तटीय इलाकों में बारिश की भी आशंका है। साथ ही 70 km/h की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL में आज कोलकाता नाइट राइडर्स KKR और राजस्थान रॉयल्स RR के बीच
लीग स्टेज का 56वां मुकाबला खेला जाएगा। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से मैच खेला जाएगा। कोलकाता के खिलाफ इस मैदान पर राजस्थान की टीम 9 मैच खेली है, इनमें कोलकाता को 6 में जीत मिली, वहीं राजस्थान सिर्फ 2 ही मैच जीत पाई, एक मैच रद्द हो गया था। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में बुधवार को चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल को 27 रन से हरा दिया। चेपॉक स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करने उतरी सीएसके ने 20 ओवर में 168 रन का टारगेट दिया, दिल्ली इसे 20 ओवर में अचीव नहीं कर सकी। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 16वें सीजन के दूसरे हाफ की शुरुआत हो चुकी है। इस सीजन के लिए पिछले साल दिसंबर में हुए मिनी ऑक्शन में कई और कमाल का परफॉर्मेंस दिया। सीएसके और डीसी मैच से पहले धोनी दीपक चाहर ने मजाकिया लहजे में थप्पड़ मारकर डराते नजर आए। हालांकि दीपक अपने कप्तान के मजाक को पहले ही भांप गए और हंसकर डरने की एक्टिंग करने लगे। वहीं इस मुकाबले को सीएसके ने 27 रनों से जीत लिया। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर और राजस्थान रॉयल्स आरआर के बीच लीग स्टेज का 56वां मुकाबला खेला जाएगा। कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से मैच शुरू होगा। भारतीय मुक्केबाज ने ताशकंद में चल रही वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया है। चैंपियनशिप में बुधवार को भारत के 3 मेडल पक्के हो गए हैं। टूर्नामेंट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने एक सीजन में इतने मेडल अपने नाम किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का नया रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल जारी हुआ है। आईसीसी ने साल 2024 से 27 के साइकिल के लिए जो वित्तीय मॉडल जारी किया है उसके मुताबिक इस हर साल जितनी कमाई होगी उससे 38.5% हिस्सा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई को मिलेगा। आईसीसी के नए वित्तीय मॉडल में बीसीसीआई की कुल कमाई कर साल 230 मिलियन डॉलर 1887 करोड़ रुपए से अधिक की होगी। गौरेला इलाके में सोशल मीडिया पर सांपों के प्रणव का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जहां ये वीडियो मरवाही क्षेत्र के सिलपहरी गांव का है जिसे ग्रामीणों ने बनाया है। ग्रामीणों की माने तो दोपहर जब अचानक मौसम बदला और तेज धूप के बाद आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद गांव के कुछ युवक सरकारी पारा मोहल्ले में घूम रहे थे, तभी उनकी नजर पास के खेत में पड़ी जहां दो सांप आपस में प्रणय लीला में लीन थे। राजधानी रायपुर में जैसे ही गर्मी का मौसम आता है वैसे ही पानी की समस्या से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जहां नगर निगम भी पानी की समस्या को लेकर लगातार जगह जगह मरम्मत का कार्य कर रही है। इसी कड़ी में आज रामनगर रेलवे अंडरब्रिज के पास नगर निगम की टंकी के मरम्मत का कार्य चल रहा है, जिसके कारण आज सुबह से ही गंज और गुढ़ियारी में पानी की सप्लाई बंद है। वहीं जल विभाग के अध्यक्ष ने बताया कि आज शाम तक पानी की सप्लाई फिर से चालू कर दी जाएगी। कबीरधाम जिले के बोडला विकासखंड शिक्षा अधिकारी दयाल सिंह आए दिन विवादों में घिरे रहते हैं। जब पत्रकारों ने सुरक्षा में वितरण के लिए प्रदाय की गई पाठ्य सामग्रियों को कबाड़ में बेचने का खुलासा करने का पोस्ट सोशल मीडिया में डाला तो बीईओ भड़क उठे। बीईओ ने पत्रकारों को फोन कर सीधे जान से मारने की धमकी दे डाली। इस पर नाराज पत्रकार संघ ने एसपी और कलेक्टर को मामले में कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा है। मनेन्द्रगढ़ जिला मुख्यालय के पार्षद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिमा के सामने आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, जहां शासन की महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी आश्रय झुग्गी झोपड़ी पट्टा का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर मनेन्द्रगढ़ के सत्ता पक्ष के पार्षद आमरण अनशन पर बैठकर मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दे रहे हैं। स्पीड न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।
किसी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आने पर सबको खुशी होना स्वाभाविक है, मगर जल्द ही इस खुशी के बाद एक चिंता बढ़ जाती है, वो है महंगी दवाइयाँ, जो जरूरी भी है और मजबूरी भी है। अरे दादा रे, अतेक महंगा। एक दिन श्याम को उसके दोस्त से पता चलता है कि शासन के निर्देश पर खोली गई श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स में बहुत कम कीमत में दवाइयाँ मिल रही हैं। दीदी, दवाई तो पूरा दे हस ना? हाँ, पूरा दे हो, का होगी? कुछ नहीं, अतका कम बिल देख के लागिस की। लागिस की दवाई तो कम नहीं है? अरे भाई, यही तो कमाल है। वाह, कमाल है बाबा। बाबा के नहीं, कका के कमाल है। राज्य के सभी नागरिक स्वस्थ रहें और उन्हें आसानी से रियायती दरों पर जरूरी दवाएं उपलब्ध हो, इस बड़ी चुनौती को सफल कर दिखाया है छत्तीसगढ़ के मुखिया श्री भूपेश बघेल ने। इतना ही नहीं, यहाँ के ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को योजना का लाभ मिल सके, इसलिए राज्य के समस्त 169 नगरी निकायों में 195 श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स खोले गए हैं। मेरे माता पिता को बीपी और शुगर है, जिनमें दवाइयों में बहुत खर्च हो जाता है। जब से श्री धन्वंतरी मेडिकल खोला है, काफी कम पैसों में दवाइयाँ आ जाती है। धन्यवाद भूपेश सरकार। धन्वंतरी मेडिकल खुले, बहुत राहत मिले। धन्यवाद भूपेश बघेल। हे धन्वंतरी देवता, आप समुद्र मंथन से अवतरित होकर सबला निरोगी बनाए बर अमृत कलश में जो औषधि लेकर प्रकट हो रहे, आज हमर मुखिया श्री भूपेश बघेल हा पूरा करत है। दवा पूरी कम दाम, याद रखो। उनकी पहुंच आसान नहीं थी। भूपेश सरकार ने परिस्थिति को पूरी तरह से बदल दिया है। अब लोग अस्पताल नहीं जाते, बल्कि अस्पताल लोगों तक पहुंचता है। मोबाइल मेडिकल यूनिट गांव हाट बाजार तक पहुंचकर उपचार कर रही है। अपने संकल्प को कर रही है साकार। भरोसे की सरकार, भूपेश सरकार। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल। न्याय की नींव पर छत्तीसगढ़ सरकार के लिए जनहित है सर्वोपरि, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार के साथ है सभी का भरोसा भी। इसका एक और सबूत है छत्तीसगढ़ में 97% सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन स्कीम के विकल्प का चुनाव करना। जब से नई पेंशन स्कीम आई, तभी से छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी इसका विरोध कर रहे थे। कारण, नई पेंशन स्कीम में न ही पूरी पेंशन के प्रावधान है, न ही परिवार पेंशन और महंगाई राहत की सुविधाएं हैं। वहीं पुरानी पेंशन स्कीम सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करती है। छत्तीसगढ़ की संवेदनशील सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की तकलीफ और भय को समझते हुए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला किया। पुराने पेंशन लागू करने से पूरे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों में एक अपार उत्साह का संचार हुआ है। इसी कड़ी में 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 के बीच सरकारी सेवा में आने वाले कर्मचारियों को पुरानी और नई पेंशन स्कीम में से किसी एक विकल्प को चुनने का मौका दिया गया। परिणाम में 97% कर्मचारियों ने नई पेंशन स्कीम को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ओल्ड पेंशन स्कीम का चुनाव मैंने इसलिए किया है ताकि मेरा परिवार मेरे साथ और मेरे बाद भी सुरक्षित रहे। छत्तीसगढ़ में है न्याय और भरोसे की सरकार। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सवरता, उन्नत और बेहतर सुविधाओं के साथ बढ़ता हमारा स्वस्थ और सुगर छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शहरी स्लम क्षेत्रों में रहने वालों को मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की सौगात दी, जिसके तहत 120 मेडिकल मोबाइल यूनिट के जरिए अब तक 39,76,000 से अधिक लोगों का निःशुल्क उपचार किया गया। जन स्वास्थ्य के लिए समर्पित छत्तीसगढ़ की भरोसे की सरकार। छत्तीसगढ़ में सर्व सुलभ हुई सस्ती दवाइयां और चिकित्सा सामग्रियां। चाहे ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की दवाई हो, या एंटीबायोटिक या फिर अन्य उपचार सामग्री, श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर्स में 70% तक की छूट पर उपलब्ध है।
कर रही है सुविधाओं का विस्तार छत्तीसगढ़ की भरोसे की सरकार। लैंगिक समानता में अव्वल छत्तीसगढ़, सशक्त महिला, उन्नत समाज, छत्तीसगढ़ में महिलाओं का निरंतर विकास। आज हिंदुस्तान के कोई भी विधानसभा में सबसे ज्यादा महिला मन के उपस्थिति है तो हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा। लैंगिक समानता के लिहाज से देश में सबसे आगे है छत्तीसगढ़। संपत्ति कानून की बदौलत भूमि पर बढ़ा महिलाओं का स्वामित्व और नियंत्रण, कन्या विवाह के लिए बढ़ी सहायता राशि 15,000 से बढ़कर हुआ 25,000 रुपए। छत्तीसगढ़ सरकार की मदद से एक दिन में 3,229 कन्याओं की हुई शादी। दाई दीदी क्लिनिक से 2,00,000 से ज्यादा महिलाओं को मिला सीधा लाभ। राज्य के 9 जिलों में कन्या महाविद्यालयों की स्थापना। बिहान योजना के तहत 2,00,000 स्व सहायता समूहों से जुड़ी 22,00,000 महिलाएं। महिला कोष से मिलने वाली ऋण राशि हुई दोगुनी। 8,624 गौठानों से करीब 12,000 महिला स्व सहायता समूहों ने किया 81 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार। इससे 90,000 से ज्यादा महिलाओं को मिला रोजगार, बढ़ी आमदनी। महिलाओं की ओर से उत्पादित सामग्री को सी स्मार्ट से मिला वैश्विक बाजार। महिला सुरक्षा है छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता। 27 जिलों में 2400 घंटे फोन नंबर 181 पर आपातकालीन मदद की सुविधा उपलब्ध। छत्तीसगढ़ में महिलाओं का बढ़ता सम्मान। छत्तीसगढ़ में न्याय और भरोसे की सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर स्पीड अंदाज में। मध्य प्रदेश के इछावर से भाजपा विधायक करण सिंह वर्मा ने आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ द केरला स्टोरी फिल्म देखी, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि छात्र राजनीति में था तब से फिल्म देखने आता था, उसके बाद से मैंने फिल्में नहीं देखी। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि आप कौन सी मूवी देखने आए हैं, तो विधायक करण सिंह फिल्म का नाम भी नहीं बता पाए। धमतरी जिले के ग्राम कोठा झरिया में तेंदुपत्ता तोड़ने जंगल गई दो महिलाओं के ऊपर भालू ने हमला कर दिया, जहां इस मामले में दोनों महिला गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल के लिए शासकीय अस्पताल नगरी में भर्ती कराया गया। वहीं एक महिला की स्थिति गंभीर होने पर उसे धमतरी जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। गौरेला के खोडरी गांव में शिक्षक की बंद कमरे में फांसी पर लटकी लाश मिली है। बता दें कि मृतक किराए के मकान में रहता था। आसपास के लोगों ने कमरे से कोई आवाज नहीं मिलने पर दरवाजा तोड़ा तो फांसी में लटकी लाश मिली। बताया जा रहा है कि एक हफ्ते पहले मृतक के परिजन अपने पैतृक गांव चले गए थे। मृतक आमा डोब के छोटकी स्वर प्राथमिक शाला में पदस्थ था। पूर्व सीएम कमलनाथ के निर्देश पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की उन विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं जहां कांग्रेस की प्रत्याशियों को लगभग 3 से 4 बार हार का सामना करना पड़ा है। पूर्व सीएम ने पहले दौरे में 19 जिलों की 35 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया था और अब वे दूसरे दौरे में बैठकों में 16 जिले के 31 विधानसभाओं के मंडलम सेक्टर अध्यक्षों की बैठक में शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई के बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने मंत्रियों की बैठक ली। इस बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित सभी कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। आपको बता दें कि बैठक के विषय में कुमारी शैलजा ने कहा था कि यह बैठक केवल आगामी चुनाव की रणनीतियों के मुद्दे पर थी। आगे उन्हें कहा कि प्रभारी मंत्रियों को प्रभार वाले जिलों में विधायकों से आपसी सामंजस्य बिठाकर रखने को कहा गया था। इसी के साथ उन्होंने 2023 में दोबारा सरकार बनाने का दावा भी किया है। रायपुर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने महापौर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शहर में लगे यूनिपोल मामले में पत्रकार वार्ता लेकर नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने आरोप लगाया कि महापौर और संबंधित एजेंसी ने यूनिपोल मामले में 27 करोड़ रुपए के घोटाले को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि महापौर स्वयं घोटाला किंग है, इसलिए मौन है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बयानबाजी का दौरा चल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के नेता लगातार एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। इसी क्रम में विधायक छन्नी साहू के मामले में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अमित साहू का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस राज में प्रशासनिक अत्याचार चरम पर है। कांग्रेस की महिला विधायक को उनके सुहाग की निशानी तक छोड़नी पड़ रही है। भिलाई स्टील प्लांट के
SMS-2 के टनल पर हुए हादसे में 4 श्रमिक बुरी तरह झुलस गए थे, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई थी। चारों श्रमिकों को भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती किया गया था। इन चारों में से एक ठेका श्रमिक रंजीत सिंह की मौत हो गई है। मृतक श्रमिक के परिवार वालों ने मुआवजे और अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर भट्टी थाने में धरना दिया था। CSP निखिल राखेचा ने मध्यस्थता करते हुए ठेकेदार, BSP प्रबंधन और श्रमिक के परिजनों के बीच समझौता कराया, जिसके तहत गमगीन परिवार और बतौर मुआवजा लाखों की राशि का चेक दिया गया और उसके छोटे भाई को नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति की बात कही गई। राजिम के ग्राम लोहरसी का शीतल साहू, जो बीते 10 सालों से मानसिक रूप से बीमार था, जिसकी खबर का प्रकाशन TV24 ने मंगलवार को किया था। वहीं खबर प्रकाशन के 5 घंटे बाद ही शैलेंद्र साहू तेलघानी बोर्ड के सदस्य पीड़ित शीतल साहू के घर जा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीड़ित के माता पिता से उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और शीतल के इलाज के लिए मुख्यमंत्री से बात करके रायपुर के किसी अच्छे अस्पताल में इलाज कराने की बात की थी। इसी के साथ उन्होंने शीतल के घर से CEO फिंगेश्वर को फोन कर शीतल के राशन कार्ड और आधार सहित शासन के योजनाओं का लाभ देने की बात कही। बीजापुर के उसूर ब्लॉक के नड़पल्ली के जंगलों में तेंदूपत्ता तोड़ने गए ग्रामीणों पर भालू ने हमला कर दिया, जहां इस हमले में ग्रामीण बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे इलाज के लिए उसूर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी पोमलपल्ली के में तेंदूपत्ता फड़ में बिजली गिरने से 20 लोग घायल हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ने पुलिस मुख्यालय ने सूबेदार, SI और प्लाटून कमांडर के 975 रिक्त पदों के लिए मुख्य लिखित परीक्षा के तारीखों का ऐलान कर दिया है। पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश के मुताबिक 26, 27 और 29 मई को मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित होगी। भिलाई स्टील प्लांट के इंजीनियर दिलीप राउतकर को शादी में नाचते समय हार्ट अटैक आ गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ भाजपा IT सेल की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय की सहमति से भाजपा IT सेल छत्तीसगढ़ के प्रदेश संयोजक सुनील पिल्लाई से IT सेल प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की। मनेन्द्रगढ़ जिला मुख्यालय के पार्षद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिमा के सामने आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, जहां शासन की महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी आश्रय झुग्गी झोपड़ी पट्टा का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर आज मनेन्द्रगढ़ के सत्ता पक्ष के पार्षद आमरण अनशन पर बैठकर मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दे रहे हैं। कबीरधाम जिले के बोडला विकासखंड शिक्षा अधिकारी दयाल सिंह आए दिन विवादों में घिरे रहते हैं। दफ्तर के बाहर से लेकर भी उनके कई किस्से मशहूर हैं। जब पत्रकारों ने स्कूल में वितरण के लिए प्रदाय की गई पाठ्य सामग्री को कबाड़ में बेचने का खुलासा करने का पोस्ट सोशल मीडिया में डाला तो BEO भड़क उठे। BEO ने पत्रकारों को फोन कर सीधे जान से मारने की धमकी दे डाली। इस पर नाराज पत्रकार संघ SP और कलेक्टर के मामलों में कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंप रहे हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं की परीक्षा में रायगढ़ की बेटी जिले के पुसौर ब्लॉक की वाली 12वीं की छात्रा विधि भोसले की सफलता से उसके माता पिता, गुरुजन और शहरवासियों में खुशी का माहौल है। स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।